मैं भूमिधर जोशी कक्षा अष्टम विषय संस्कृत पंचमा पाठ और अभ्या भागीरथी पयस्ते कुल्या बहुदूरम सुमधुरम ततः सिक्तम क्षेत्रम भवती हरितम चाप ललितम गभीरे ते धीरे तरणीषु सुखम यान्ति पथिका वयम भूयो भूयो जगति तम सत्यरूपकृता पड़ा पयस्ते कुल्यावृती बहुदूरम सुमधुरम ततः सिक्तम क्षेत्रम भवति हरितम ताप ललितम कविरे ते तीरे तरणी सुखम यान्ति पथिका वयम भूयो भूयो जगति तव सत्यरूपकृता। यहाँ पर जो है इस श्लोक के माध्यम से जो श्लोक है इसके माध्यम से गंगा के उपकर्म का इसमें वर्णन किया गया है कि गंगा अर्थात जो आपका कहा गया निशा से तुम्हारे मतलब तुम्हारे के मीठे जल जो आपका जो अत्यंत मीठा जल है ये किसके द्वारे कुल्या भी अर्थात कुल्या नहरों के माध्यम से वृद्धि जाता है वहाँ तक बहुत दूर तक आपका तुम्हारा जो अत्यंत मीठा जो जल है छोटी छोटी नहरों के माध्यम से कहा तो वहाँ बहुत दूर तक जाता है। और सिक्तम क्षेत्र सिंचाई के आवा क्षेत्र जो होता है कैसा हरा भरा तब कहा गया है। और आपका जो है इस जल से खेत जो सिंचा गया जो क्या है बहुत क्षेत्र है जो इससे वहाँ आपके सुंदर जल से जो छोटे नहर के माध्यम से जाता है इसे सिंचा हुआ क्षेत्र है वो कैसा सिक्तम क्षेत्र सिंचा हुआ क्षेत्र वो हरितम हरा भरा होता है और सब ललितम और बहुत सुंदर होता है जो आपका इस जल से सिंचा गया क्षेत्र है वो हरा भरा और बहुत सुंदर हो जाता है ये मैसेज कहा गया। और गवीरे के तीरे तरणी सुखम यान्ति पथिका पथिक यात्री लोग जो भी यात्री हैं वो क्या करते हैं तरणी से नौकाओं बैठ करके नौकाओं के माध्यम से जो है कि आपके गंभीर जल में तो बहुत गहरा जो जल है आपके ठीक है तुम्हारे गहरे गहरे जल में बहुत गहरे जल में जो है नौकाओं के यात्री बैठ करके पथिका के यात्री सुखम यात्रा सुख को प्राप्त करते हैं सुख को प्राप्त करते हैं अर्थात कह सकते हैं लोग यात्री लोग जो हैं नौकाओं बैठ करके इसमें नौका में महंगे आनंद लेते हैं आपके कभी बहुत गहरे जल में नौकायान करके उसका आनंद लेते हैं। और आप इस कृतज्ञता के लिए आपके तेरूपकार के लिए जो आपने हमारा ऊपर ऊपर होगा संसार के उदय संसार में वही में हमें आपके भयो भयो अर्थात हमें जो आपके बार क्या कर रखा है हमारे ऊपर बार बार आपके किए गए उपकारों से भयो भयो कभी तुम्हारे द्वारा जगत संसार के ऊपर जो है हर संसार में हम सबके ऊपर किए गए उपकारों से हम कहें कृतज्ञ हैं हम क्या हैं कृतज्ञ हैं आपके ऊपर से हम बार बार कृतज्ञ हैं। और कहा गया कि बार बार अर्थात हम सदा आपके आभारी हैं ये गंगा से यहाँ पर प्रार्थना की गई है।